हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों। भाई मजा आ गया, सुपरस्टार रजनी इज बैक। ये एक ऐसा लीजेंडरी एक्टर है जो स्टाइल में नंबर वन है, एक्शन में नंबर वन है और एक्टिंग में तो नंबर वन है ही। जी हाँ दोस्तों, साउथ इंडस्ट्री ने कुछ चेंजेस करके गैंगस्टर रैप पे नई फिल्म निकाली है जिसको लीड कर रहे हैं अपने सुपरस्टार रजनीकांत सर जी। देखो साउथ इंडस्ट्री में ये ट्रेंड जबरदस्त चल रहा था कि लेट 70s और 90s का एरा दिखाकर गैंगस्टर रैपर फिल्म बनाई जाए, क्योंकि एक्शन और मास के नाम पर इनके पास सिर्फ यही कॉन्सेप्ट था अभी तक तो, और इसका सीधा टेस्ट सभी के मुंह में KGF से लगा था। लेकिन अब कुछ चेंज देखने को मिल रहा है। यस, मास एक्शन अब थोड़ा मॉडर्न टाइप एडवांस स्किल्ड वाला फील आ रहा है, लेकिन एक बात तो है, ट्रेलर बहुत दमदार निकाला है भाई साहब। रजनी द जेलर मूवी का कंटेंट कुछ हटके है, मासी एक्शन कुछ हटके है दोस्तों, मजा तो बहुत आने वाला है। ट्रेलर बहुत धांसू है। देखो ट्रेलर से मोटा मोटा समझ में ये आ रहा है कि रजनी सर अपने टाइम के एक जबरदस्त गैंगस्टर रहे थे, लेकिन फिर उन्होंने ले लिया रिटायरमेंट और अब एक सिंपल फैमिली मैन वाली लाइफ जी रहे हैं। बड़ा बेटा पुलिस में है और यहाँ से अब विलेन की होती है एंट्री, क्योंकि पुलिस वाला है तो क्रिमिनल्स तो दुश्मन होंगे ही। जिसका साफ पता लग रहा है जैकी श्रॉफ उर्फ जैकी दादा के डायलॉग से कि तू सिर्फ पुलिस वाले के बाप को देख रहा है, जो मैंने देखा है वो तूने नहीं देखा है। इट मीन्स ये कि आफ्टर विलेन एंट्री रजनी सर अपनी पुरानी फॉर्म में आ जाएंगे और वो एक दो सीन्स में दिख भी रहा है। जब उनकी वाइफ और बेटी कहती हैं कि ये रुक नहीं सकता, तो रजनी सर कहते हैं ये अब तभी रुकेगा जब खत्म होगा। भाई साहब क्या एटीट्यूड, क्या स्टाइल है इस बंदे का और क्या अमेजिंग एक्शन देखने को मिलने वाला है। और हम सब जानते हैं जब रजनी सर एंग्री मैन बनते हैं तो कितना तबाही लाते हैं अपनी फिल्म में, और हर तरफ एक्शन ही एक्शन देखने को मिलता है दोस्तों। मूवी में बहुत मजा आने वाला है। ऐसे ही न्यू कॉन्टेंट की कमी लग रही थी, क्योंकि KGF जैसा सिनेमा बार बार देख कर थक चुके थे हम, क्योंकि सलार में भी हमें वही चीज देखने को मिल रही है, कैप्टन मिलर में भी वही चीज देखने को मिल रही है, पर ये जो है बिल्कुल हटके है। डायलॉग बहुत दमदार होने वाले हैं, जिसमें से ये वाला मेरा फेवरेट होने वाला है कि जब ठोकना होता है ना तो बात नहीं करता, सीधे ठोक देता हूँ। दोस्तों सच बताऊँ तो ट्रेलर का हाइप एक बार के लिए हॉलीवुड की वाइब को मैच कर रहा है, अमेजिंग। अगर आपने एक्सट्रैक्शन देखी है तो आप रिलेट कर पाओगे, कसम से फाड़ू एक्शन देखने को मिलेगा। और विलेन भाई, विलेन बहुत दमदार देखने को मिल रहा है, एकदम क्रूअल। और वो छोटे बच्चों को मारने वाला सीन क्या रोंगटे खड़े करने वाला मोमेंट था। तो कास्ट भी दमदार है, रजनी सर तो मेन लीड में हैं ही, अपोजिट में जैकी दादा देखने को मिलने वाले हैं, एकदम टपोरी टाइप गुंडा, तो बहुत खतरनाक कंट्रोवर्सी होने वाली है इन दोनों के बीच। बाकी अगर आपने भी अभी तक ट्रेलर नहीं देखा है तो जाकर जरूर देखो यार, मजा आ जाएगा। लेकिन जाने से पहले एक सवाल ये है कि रजनी सर को दोबारा लंबे समय के बाद स्क्रीन पर देखने से कैसा लग रहा है आप लोगों को, और आप इस सुपरस्टार के कितने बड़े फैन हैं, नीचे कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर शेयर करके जाना। बाकी मूवी रिव्यू और बॉक्स ऑफिस से जुड़ी सभी अपडेट्स के लिए और बॉलीवुड हॉलीवुड और साउथ फिल्मों की अपडेट्स के लिए हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहना। और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, दूसरा अंगूठे वाला बटन दबा के वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, जय हिंद।